चिटफंड पीड़ित निवेशकों के लिए आज की बड़ी अपडेट। बड़ी अपडेट दोस्तों पत्रिका से है, चिटफंड कंपनियों पर सख्ती, चार कंपनियों की संपत्ति होगी कुर्क, वसूले जाएंगे 3,61,00,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपके लिए अपडेट लेकर आए दोस्तों, ये पत्रिका अखबार के माध्यम से यानी कि पत्रिका की वेबसाइट से 20 जुलाई 2021 की लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों अपडेट सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि ये चार यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी खबर है, पीड़ितों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए होशंगाबाद कलेक्टर ने दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद कलेक्टर धन संजय सिंह ने पीड़ितों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इटारसी में संचालित चार चिटफंड कंपनियों की विभिन्न जिलों में एवं प्रदेश में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्य प्रदेश के निक्षेपकों के हितों में संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन कंपनियों से 3,61,14,921 रुपये की राशि मय ब्याज 12% के वसूली की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो यहाँ पर वसूली की जाएगी 3,61,14,921 रुपये की राशि मय ब्याज 12% के ब्याज सहित वसूली जाएगी। तो दोस्तों ये इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश थे। चिटफंड कंपनी मालवाचक लिमिटेड नई दिल्ली की विभिन्न जिलों व प्रदेशों में स्थित संपत्तियों की कुर्की तथा कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार रत्नाकर, नंद रत्नाकर, दिलीप सेन के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। यूएसके इंडिया लिमिटेड इंदौर तथा इसके डायरेक्टर वी शिवराम सिंह तोमर तथा उमेश नरवारिया, संजय शर्मा, पप्पू पटेल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कंपनी एमजे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर, इसके संचालक संतोष राठौर, कंचक रजावत, कुशवाहा निर्मला राठौर, मधुरा भाई राठौर, गोपाल प्रसाद, दिलीप जैन, संदीप सिंह, सुनील सिंह कुशवाहा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों ये थी चिटफंड से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट। अपडेट पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।